Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, अब उस घर से इस घर में कोई आने वाला नहीं है। तुम्हें मालूम है सलमा को वो बात बहुत बुरी लगी है। और मैं अपने बेटे की शादी 2 महीने में करके दिखाऊंगी सबको। जहां तुमने इतने रिश्ते रिजेक्ट किए हैं वहां आज भी रिजेक्ट कर दो। रास्ते में मिल गई और तुम आराम से उसकी गाड़ी में बैठ गए। हाँ अम्मी वो क्यों तुम भूल गए हो इन्होंने क्या किया था? आए हमारे घर और तुम्हें रिजेक्ट करके गए थे कि तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मुझे अच्छी लगी है वो, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। ये 2-4 मुलाकातों से फोन कॉल से सारी उम्र के रिश्ते नहीं बनते हैं। और क्यों भूल जाते हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? हाँ और उसके लिए वो मुझसे सॉरी कह चुकी है। And I'm telling you, Maa, she's a very nice girl. Exactly. मैं तो कब से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन इस घर में मेरी बात मानता कौन है? It's okay, Baba, relax. मैं मर के भी उस घर में रिश्ता नहीं लेने जाऊंगी। So don't talk to me about it. यार तुम अपनी माँ की एजेंट को फोन मिलाओ लंदन में। और नहीं मानेगी वो। अरे कैसे नहीं मानेगी यार, तुम्हारी जो बहन है ना वो इसकी तो बेटी है, ऐसी ही है, मान लेगी। इतने और पत्नी किस किस को मानना है बेटा? अगर तुम्हारी माँ मान गई ना तो समझो आधी दुनिया मान जाएगी। चले फिर पहले आधी दुनिया से शुरू करता हूँ, फिर पूरी दुनिया को देखूंगा। तभी जाक हारी मत, मुझ पे ना जाना। तो तुम्हें लंदन में बैठे इल्हाम हो गया कि बिस्मा बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारी माँ ही बहुत बुरी है। तुम्हें क्यों भूल जाती हो कि वो मेरे घर आकर मेरी बेइज्जती करके गए थे? और सब पता है मुझे क्या हो रहा है, तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे भाई ने ऐसी पट्टी भड़ाई ना मेरे खिलाफ। क्यों सारी दुनिया से लड़ रही हो तुम? जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ महाज बना ले तो मैं लड़ूंगी नहीं। जाकर अपने बेटी की शक्ल देखो लॉन में, क्या हुआ ऐसा? माँ की नजर से देखोगी ना तो पता चल जाएगा। वो तो खुद अपना दुश्मन बना फिरता है। देखो बहुत प्यारा बहुत फरमा बरदार बेटा है हमारा, तुम जहां कहोगी वो आंखें बंद करके शादी कर लेगा। अगर सारी जिंदगी उसके दिल में वो बात रहेगी, चुभती रहेगी। तुम अपने अकलौते भाई का किस्सा भूल गई हो क्या? तुम्हारी मां ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी उसकी मर्जी के खिलाफ। वो ऐसा सिडनी जाके बैठा कि एक दिन भी पलट के वापस नहीं आया पाकिस्तान। मान जाओ अपने बेटे की खातिर मान जाओ, बिस्मा बहुत प्यारी बच्ची है, तुम अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी खातिर। और जो उन लोगों ने मेरे साथ किया वो मगर
तो माफी मांग चुके हैं फोन करके कई दफा, आपने किए पे शर्मिंदा हैं। तुम भी दिल बड़ा करो और बेटे की खुशी के लिए। मुझे सोचने। ठीक है, जितना सोचना है सोच लो, अगर जवाब हाँ में होना चाहिए। ये अच्छी जबरदस्ती है। आप ऐसा करें, नासिर साहब से कहें कि कल हम उनके घर आएंगे रिश्ता लेने, लेकिन शर्त यह है कि शादी 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ओके? जैसे तुम कह रही हो वैसा ही होगा, फिक्र नहीं करो। हेलो, आ जाओ बेटा, हथियार डाल दिए फौजों ने, अब मजीद बमबारी और इमोशनल ब्लैकमेल की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, 50 मिस बेल्स, इतने सारे मैसेजेस। तुम मुझे सफाई का मौका दिए बगैर कैसे खफा हो सकते हो विस्मा? आई स्वेयर टू गॉड, मुझे रिश्ते वाली बात का इल्म नहीं था, और मैं बदला लेने वाली घटिया हरकत क्यों करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ। तुमने ये सोचा भी कैसे? तुमने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। इस चीज का बदला सारी जिंदगी लूंगा, और वो भी तुमसे शादी करके। अम्मी और अब्बा आएंगे आज तुम्हारा रिश्ता मांगने। खबरदार उनके सामने मशरकी लड़कियों की तरह खामोश रहना, और अम्मी की जो भी बात बुरी लगे उसे इग्नोर कर देना प्लीज। हाँ, मेरी खातिर प्लीज। ये क्या है? अम्मा मेरा फोन दे, मेरा फोन दे, मेरा फोन दे। ठहर जाओ जरा। अम्मा मेरा फोन दे। चुप। अम्मा बात सुने, जरा ये देखें अपनी बेटी की हरकतें, ये और फहाद देखें जरा। बेटा जरा देखना आज सूरज कहां से निकला है। ये सूरज और चांद सितारों की बातें बंद कर दें, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। भाई रजा साहब का फोन आया था। अल्लाह खैर, अब क्या नया बम फाड़ने वाली है सलमा? बम तो फाड़ेंगी आपके कान के बिल्कुल पास आज शाम को। क्या बात है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताएं। भाई रिश्ता मांगने आ रही है अपनी बिस्मा का, अपने बेटे फहद के लिए। अब भी मेरा फोन वापस कर दे।
लेकिन ये सलमा मांग कैसे गई? ये तो नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। लड़का तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। आप लोग ये बातें कहीं और जाके कर सकते हैं प्लीज। ओहो, शर्म आ रही है। हाँ भाई, तो ठीक ही तो कह रही है वो, मत करो ऐसी बातें। सुनो, तुम किसी वो बंगाली जादूगर के पास तो नहीं ताबीज शावीज के लिए? अम्मा, मैं आपको इस तरह की लगती हूँ? नहीं, लगती तो तुम मुझे वैसी भी नहीं थी जैसे फहाद ने मैसेजेस पे बताया। यार आप प्लीज मेरे अब्बी के लिए जाके चाय बना के लाएं। अच्छा जाती हूँ। आज तो अम्मा को खुशी की मारे नींद नहीं आएगी। सच पूछो तो मुझे भी बहुत खुशी। लगता है जनाब को बहुत गुस्सा आ गया मिठाई पर। हाँ तो और क्या, नहीं आता। 3 घंटे पहले तुमने मुझे प्रपोज किया है और घर जाते ही अपने रिश्ते की मिठाई भिजवा दी। अरे ओहो बिस्मा, वो तो सारी अम्मा की फुर्तियां थी। उस रिश्ते का क्या होगा? अगर आप परमिशन दें तो वहां भी हाँ कर देता हूँ। एक नियति से यतीम बच्ची है ना, खिदमत करेगी आके दोनों की। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं खिदमतें करवाने का। तुम ही करवाना उस यतीम बच्ची से अपनी खिदमतें। नहीं देखो, ये एथिकली गलत हो जाएगा ना। पहले आपको प्रपोज किया था तो पहला हक आपका बनता है। नहीं, तुम मेरी टेंशन मत लो, इधर से मैं विड्रॉ कर देती हूँ। देखो उधर तो जवाब दे दिया। मैं इधर से जवाब दे देती हूँ। खबरदार ऐसा किया। और मेरी एक और बात गौर से सुन लो तुम। फरमाइए। आज ना तुम ब्लैक पहनना, बहुत सूट करता है तुम। थैंक्स, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम वो मैरून कलर की शर्ट मत पहन लेना, बिल्कुल नहीं सजता तुम पे वो रंग। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि हेल्प करवानी है मैंने किचन में अम्मी की, तुम्हारी वालदा साहिबा के एजाज में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या मसला है इसको मेरी मैरून शर्ट से? भाई, बिरयानी को मैंने दम दे दिया है, अब सिर्फ कबाब फ्राई करने हैं। तुम फौरन फहद को फोन करो। वो किस लिए? अरे अभी तक आई नहीं है। क्या मतलब किस लिए? ओफो, आप कॉल कर लेना सलमा खाला को। नहीं भाई, वो उस वाक्य के बाद ना मुझे तो बहुत हेजिटेशन हो रही है। तुम्हें पता है घर आने का रजा भाई ने मुझे बताया है, सलमा ने तो कोई फोन ही नहीं किया मुझे। अच्छा आप इसे छोड़े, आप मुझे बताएं कि ये ड्रेस पहनो कि ये ड्रेस पहनो, इसके साथ ये है रेड दुपट्टा। तुमने फिर ये काले निकाले ना, फौरन रख दो इसको। भाई कलर तो मैंने यही पहनना है, आप बताएं ये कि ये। खुशी के मौके पे कलर पहना जाता, ये काले काले रंग के ना पहनना। समझा करे ना, फहद ने कहा है पसंद है उसे कलर। अच्छा ये कहो ना, तो फिर वो वाला अच्छा है ना? सारे काम छोड़ो प्लीज, पता लगाओ कहाँ रह गए हैं वो लोग। अम्मा उन्होंने पड़ोस से आना है, आ जाएंगे। 7 बजे का कहा था, 9 बज रहे हैं। ओफो अम्मा, टेंशन नहीं लें, मैं फोन करती हूँ, आप रेडी करें अपना खाना और मैं करती हूँ फहद को। जो बात हो मुझे जल्दी बताओ। अरे ये क्या अम्मी, आपने चेंज नहीं किया, जाना नहीं है आपने? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा अम्मी। लग रहा है तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। भाई देखो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी हिम्मत पकड़ो, चलते हैं वहाँ, वो इंतजार कर रहे होंगे, सब तैयारी की होगी उन्होंने। तुम दोनों ऐसा करो, मुझे स्ट्रेचर पे डालो और ले जाओ। ओके। अरे मामा। नो, ये बी गेट इट इन। लो अब बिस्मा का फोन भी आ रहा, अब क्या कहूं मैं? अरे बोलो, मेरी माँ बिस्तर मार्ग पे पड़ी है। ऐसा नहीं बोले बाबा। अच्छा यार माजर कर लो, मैं देखता हूँ।
क्या बात है, फोन नहीं उठा रहा है क्या? बात पता नहीं क्या है, फोन काटे जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बात का फोन आया। शुक्र। हेलो हेलो बिस्मा, हाँ कैसी हो? वो छोड़ो, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रह गए हो? हम लोग इंतजार कर रहे हैं सब। यार I'm so sorry बिस्मा, अम्मी को अचानक डिहाइड्रेशन हो गई और वो अभी बहुत वीकनेस है, उनको बिल्कुल नहीं उठ पा रही। I'm so sorry। ओहो, डॉक्टर के लेके गए हो तुम लोग? वो उनमें उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही ना, तो इसलिए अब्बू ने कहा कि बस फोन करके माजरत कर लो, फिर हम इंशाल्लाह कल आ जाएंगे ना। हाँ इट्स ओके वो तो देख लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। चलो थैंक यू सो मच बिस्मा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है यार, अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे। अरे मैं बता दूंगी, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे बताओ कि तुम अगर कहते हो तो हम लोग सब खैरियत पूछने आ जाते तुम लोग की तरफ। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको इंशाल्लाह दवाई दे देंगे, फिर वो बेहतर होगी तो हम कल चक्कर लगा लेंगे। अच्छा सुनो, कलर क्या पहना है तुमने? वही जो तुमने कहा था। यार एक सेल्फी तो भेज दो, आज का प्लान तो सारा धरा का धरा रह गया, तुम्हें कम से कम देख तो लूं मैं। हाँ मैं तुम्हें अभी फोन करती हूँ, अम्मी साथ में हैं तो मैं उन्हें बता दूँ, सब परेशान हो रहे थे। अल्लाह। चलो ओके बाय। हाय सो स्वीट। क्या बात है? वो सलमा खाला की तबीयत खराब हो गई, डिहाइड्रेशन हुई है उन्हें, वो मेडिसिन लेके सो गई है। बिस्मा क्या वाकई सलमा की तबीयत खराब है? हाँ आपको तो उनकी तबीयत से ज्यादा उनकी नीयत खराब लग रही है। पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा है इस बात पर। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा ऐसी वहम कर रही हैं। क्या करूं बेटी की जो माँ हूं। आपको एक बात बताऊं, आजकल बेटों की माँ भी ना कुछ ज्यादा खुश नहीं है, वो भी टेंशन में है। अगर कल सलमा ने आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे टेंशन ले रही हैं, वहम कर रही हैं। तुम कैसे कह सकती हो ये बात? क्योंकि फहद में ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं तुम्हारे जरा अब्बी को देख रहा हूँ, वो पड़ोस में खाना देने चले गए थे। अच्छा किया आपने खाना भिजवा दिया। वैसे क्या करती, इतना खाना जो बना लिया था। आती हूँ। सारे मेरे खिलाफ हो गए, मैं ही गलत हूँ और सब ठीक है। क्या किया मैंने? कुछ गलत तो नहीं किया, बेइज्जती की मेरी उसने, और ये दोनों बाप बेटे मुझ पर शक करे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं बीमार हूँ। ये दोनों मेरी बात कहाँ सुनेंगे? मर भी रही होंगी ना तो स्ट्रेचर पर लटा कर ले जाएंगे मुझे। ये मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों को भूल जाएं भाभी, नायला तो यूं ही बहुत शर्मिंदा है आपसे। शक्ल से तो नहीं लगती। भाई कैसी बातें कर रही हो, शक्ल से तो तुम भी नहीं लग रही है, कल इस कदर बीमार थी तुम हैं? क्या बात है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी क्या सलमा? ऐसी वैसी, और बहादुर इसके बाप का बस नहीं चल रहा था कि ऐसी मुझे एम्बुलेंस में डाल के तुम्हारे घर ले आते।
अब वो तो अभी भी तुम्हारी तबीयत ऐसी है कि तुम्हें एम्बुलेंस में डाला जा सकता है। अंकल ये ब्राउनीज ट्राई कीजिए, ये मैंने खुद बनाई है। सारी डाल दो ताकि शुगर लेवल और हाई हो जाए, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, शुगर फ्री बिस्किट्स भी हैं, आप ये ले लीजिए। भैया हटाओ बाबा, हम मिठाई खाएंगे एक साथ, तारीख तय करो भैया। हाँ। एक सेकंड, पहले अपने बेटे से पूछ ले, जो इसकी हरकतें हैं ना, अंदर खाते पहले से डेट फिक्स होगी। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। तूने क्या अम्मी की बात हो? नहीं भाई, अब अगर बच्चों ने डेट तय कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते। नए दौर के बच्चे, नई जनरेशन इस कदर फास्ट है, डेटे वेटे तो खुद ही तय कर लेते हैं। आप बताए ना भाभी, इस महीने की 24? हाँ ठीक है, इस महीने की 24। हाँ भाभी, क्या ख्याल है आपका? हाँ 15 दिन के बाद, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या निदा भाई की शादी में नहीं आएगी? निदा भाई ने अपनी इकलौती बहन से मशवरा नहीं किया था लड़की पसंद करते वक्त, हम क्यों करें? अब देखिए, बेकार बातें मत करो। बात ये नहीं, असल में बात ये है कि भाभी वहाँ पे उसकी इमिग्रेशन की बात चल रही है, और आपको पता है जब तक इमिग्रेशन होगी नहीं वो पाकिस्तान आ नहीं सकती। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि जैसी बच्चों की शादी हो जाए हम दोनों लंदन चले जाए। अरे तो फिर इस नेक काम में देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, तो 24 तारीख इस महीने की पक्की हो गई है ना। भाभी फिर मिठाई तो खिलाइए आप। जी मैं बस अभी मंगवाती हूँ मिठाई, आप लोग ये ले ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये हम भाई ये शुगर फ्री जो था ना बच्ची ने हमें कहा था ये बेहतर रहेगा। अरे भाई भाई नासिर साहब लीजिए ना, ये जी मैं अपना ही घर समझिए। ला रही है ना? हाँ बस। सॉरी यार, बट ऑब्वियसली जिस सिचुएशन में पूरा रिश्ता हुआ है उसमें थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगी वो। मैंने तुम्हें कुछ कहा? आपका मसला यह है बिस्मा कि आप जबान से नहीं आंखों से सब कुछ कह जाते। फिर ऐसा करना चाहिए कि तुमसे बात करने से पहले ना मुझे सनग्लासेस लगा लेने चाहिए। सनग्लासेस की जरूरत नहीं है, बस मुझ पे ट्रस्ट करना। ट्रस्ट ही तो है, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची। गुड, मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर अम्मी को सेट कर। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी शादी की डेट फिक्स हुई है, फासला रखे आपस में। अरे क्या बात कर रही हैं आप बेगम, अपना वक्त भूल गई हैं? चुप चुप के हमसे मिलने आती थी बहाने बहाने से घर। सलमा क्यों दिल पे लेती हो? अरे मर्दों की तो आदत होती है छेड़खानी करने की। अम्मी चले? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सोने आई हूँ ना, बोरिया बिस्तर लेके जाहिर चल रहे, चलो। पता नहीं क्या बनेगा मेरा। बिस्मा आज सलमा कुछ उखड़ी उखड़ी सी नहीं लग रही थी? हाँ ये तो उनके बचपन का स्टाइल है, भूल गए आप? नहीं आज तो कुछ अजीब सा ही, मतलब बात बात पर तंस करना। मेरी प्यारी अम्मी आपने ना अब नोटिस करना शुरू किया है, पहले तो याद है कैसे उनकी बातों पे टस में बहाती थी, कितना रोती थी आप? क्या करती, वो बातें ही ऐसी करती है दिल दुखाने वाली। आज तो नहीं कहा उन्होंने कुछ ऐसा वैसा? नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये
एकदम से उनको शादी की इमरजेंसी क्या पड़ गई है? और फिर तुम्हारे अब्बी भी फौरन राजी हो गए? मैं बता रही हूँ ना, अंकल ने बताया तो था, अपने नवासे को देखने जा रही है बाहर, इसलिए तो। अल्लाह तो करे यही बात हो। अल्लाह ऐसे ही करेगा। और ये आप आए जरा इधर, है ये ड्रेस प्यारा है ना? बहुत प्यारा है, लेकिन आपकी बेटी से ज्यादा प्यारा नहीं है। अल्लाह करे मेरी बेटी की किस्मत भी इतनी प्यारी हो। पता है मेरे दिल को इतनी तसल्ली है कि तुम पड़ोस में ही जा रही हो, कम से कम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी, और फिर लड़का भी देखा भाला है। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं, और वो ये है कि इसी पड़ोस में एक जल्लाद नुमा सास भी होंगी, उनका क्या करेंगे? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अपने प्यार से और खुश अखलाकी से सबका दिल जीत लेगी। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही होगा। अच्छा ये तो ड्रेस हो गया, अब देखें ये ज्वेलरी है, ऑप्शन 2-3 है, देखें आपको कौन सी पसंद आ रही है। ये अच्छी है। क्या बात है सबा, इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस दिल घबरा रहा है इस शोरगुल से। क्या हो गया है? ये शोरगुल तो बच्चों की खुशियां है यार, ऐसे मौके बार बार कहाँ आएंगे? तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? सीधा सीधा निकाह करें और काम खत्म करें। बिस्मा तुम्हारा ध्यान किधर है? कहीं नहीं यार, बस वो समा खाला कुछ नाराज लगी है, मेहंदी लगाने के लिए आई है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो निदा को मिस कर रही होंगी, सुबह से बार बार कह रही थी कि काश वो होती। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स और क्या वजह हो सकती? अच्छा ये बताओ कि तुम बच्चों को मेहंदी क्यों नहीं लगा रही हो? चलो उठो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेहंदी की महक से एलर्जी। निदा के वक्त याद क्या हुआ था? उल्टियां की थी मैंने, इतना नौजिया हुआ था। इस्मा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत है, तुम्हारे साथ मैं हूं। ओके? वो देखो माशाल्लाह से सीनियर सिटीजंस को जोश चढ़ा।
तो मेरा ख्याल है निकाह खान को बुलवाते हैं निकाह की आप। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, मैं लेके आता हूँ उसको। क्या हो रहा है? अरे भाई वो निकाह की रस्म तो होनी है, निकाह खान को लेने जा रहा हूँ। किसका निकाह? क्या हो गया, याददाश्त तो नहीं खराब हो गई तुम्हारी? क्या बात है सलमा, आई एम सो सॉरी नायरा, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। तुम्हारी बेटी मुझे अपने बेटी के लिए हर किस पसंद नहीं है, इसलिए मैं शादी खत्म कर रही हूं। ये क्या बोल रही हो तुम? फहद, अगर ये तुमने बदला लिया है तो मैं वाकई बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रही हूं। अम्मी ये क्या कह रही हैं? चलो उठो, घर चलो मेरे साथ, हमने नहीं करनी ये शादी। और तुमने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से होने दूंगी? अम्मी इतना घटिया बदला नहीं लेने दूंगा मैं आपको, मैंने इससे वादा किया है और मोहब्बत से किया है, किसी जिद से नहीं। एक सेकंड, आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ, मुझे बात सुनो, इधर आओ, यहाँ इधर आओ बेटा। अभी रिलैक्स, अभी रिलैक्स, इस औरत ने पूरे खानदान के सामने हमारा तमाशा बना दिया है। तमाशा इन लोगों ने अपना खुद का बनाया है, इस तरह के फिजूल मतलब। नासिर साहब मेरा दिल बैठा जा रहा है। ना टेंशन मत लो, देखो फाद समझा रहा अपनी माँ। अरे क्या समझाएगा, जो औरत अपने बेटे की बारात छोड़कर जा सकती है, आप ये सोचे कि शादी के बाद तो मेरी बेटी का क्या हाल करेगी? मुझे नहीं करनी है इसकी शादी। जरा सब्र तो कर लो, देखो तो ये ऊंट किस करवट बैठा है। नहीं, मुझे लग रहा है इन सबकी मिली भगत है। नहीं ऐसा नहीं है, वरना ये फहद और उसका बाप इतना परेशान नहीं होते, और वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपनी माँ को। आप लोग चले मेरे साथ घर। दिमाग तो ठीक है, तुमने क्या रिश्तों को मजाक समझा हुआ है? नहीं, मजाक की इब्तिदा तुम दो माँ बेटियों ने की है, मजाक का इख्तिताम मैंने किया है आज। चले। अम्मी किसी की इज्जत को दांव पर लगाकर हिसाब पूरा करते हैं, मैं आपसे यह हरकत बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इज्जत तो बेटा मैं तुम्हारी रख रही हूँ, शुक्र करो मैंने यहाँ तमाशा नहीं लगाया, वरना मैं इन दोनों माँ बेटियों की पोल सबके सामने ऐसे खोलती कि इज्जत बेइज्जती भूल जाते तुम। मेरे घर में आके मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया, मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। चलो घर। दिमाग चल गया तुम्हारा? फहद बेटे आप बैठे, विश्व के साथ मैं निकाह खान को बुला के लाता हूँ। रजा अहमद, मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगी, समझे? क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी मैं? इस घटिया घर को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले ऐसी आग लगाऊंगी जो तुम तो क्या सारी दुनिया नहीं बुझा सकेगी।